गाइस जो पीसा हुआ था साथ में मांग रही हूँ। आज हम मिलकर खाना बनाएंगे। फाइनली गाइस हो गया है यहाँ पे, देख तक ये हमारा फूलने के लिए रेडी। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा। गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज है 10 बजे से इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारे घर में नई रेसिपी बन रही है। तो हमारी नई रेसिपी बनने की हम तैयारी कर चुके हैं, तो बन रही है, तो हम सोचे कि आपको भी बता दें कि हमारे घर में क्या बन रहा है आज नया डिश। तो चलो बताते हैं। तो हमारे गांव में तो बोलते हैं उसे रिकोच। रिकोच होता है जो छिलके वाली दाल जिसे बोलते हैं, जिसे उड़द की दाल बोलते हैं। तो एक दाल में छिलका होता है, एक दाल बिना छिलके की होती है। तो आज हम उड़द की दाल के रिकोच बनाएंगे और उसी के दाल से हम लोग दही वड़ा भी बनाएंगे। तो चलो आप लोग को बताते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे अच्छे अच्छे मुलायम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो भी आप लोग को ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा जरूर। पहले हम लोग इसको दही वड़ा का जो बैटर है उसको रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये है और इसको पीस के फिर ये बन रहा है। तो आप लोग देखिएगा, पहले इसको अच्छे से फेंट के बना लेंगे कि अच्छे से मुलायम जितना रहेगा उतना अच्छा बनेगा। चलो पिसा रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। यहाँ पे सुबह से अपने खिचड़ी बनाई थी, वीर को टिफिन में दी थी, उसका बैटर है, अभी वो देखेंगे। यहाँ पे खिचड़ी होगी, इसे खाली कर देंगे। हम लोग फेंट के रेडी कर दिए हैं कि पूरा एकदम अच्छे से, अभी थोड़ा फूल जाएगा तो आगे का प्रोसीजर करेंगे। पीस के पूरा फेंट कर रेडी किया है अभी। अभी तक तो यही काम हुआ है, आगे जैसे जैसे काम होएगा तो आपको बताया जाएगा। अब वीर अभी स्कूल गया है, स्कूल से अभी आया नहीं है। और ये रेसिपी मेरी सास का है। चावल के साथ अच्छा लगी ना? हाँ, तो ये रेसिपी जो है वो मेरी सास का है। उसके पहले मैं शादी के पहले कभी नहीं खाई थी, शादी के बाद फर्स्ट टाइम ये रिकवच खाई हूँ। नहीं तो उसके पहले तो बारा के साथ खाए थे कड़ी वगैरह, लेकिन अभी ये इसका अलग ही प्रोसीजर है। तो ये जैसे जैसे बनता जाएगा आपको पता होते जाएगा। काका देखिए गाइस, जो पीसा हुआ था उसको गोल गोल करके उसमें लहसुन मर्चा धनिया पीस के इसको ऐसे छान दिया गया है कि एक थोड़ा सा जल गया, लग गया है गाइस, क्योंकि लोखन की कढ़ाई है ना, थोड़ा अंदाजा नहीं मिला इसलिए एक लग गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी के लिए बैटर लगा दिए हैं उसी का घोल का, तो बैटर लग गया है। यहाँ पे चावल रखे हैं कुकर में, एक चावल पक रहा है और ये जब ऐसे लाल लाल हो जाएगा तो इसे निकाला जाता है, निकाल के फिर बनाया जाता है। लोखन की कढ़ाई में अच्छे से पक जाता है और अच्छे से इसका कलर फ्लेवर सब अच्छे से आता है, इसलिए लोखन की कढ़ाई यदि कुछ अच्छा सा लाल पकाना है तो लोखन की कढ़ाई बेस्ट होती है। तो हम लोग तो हमेशा लोखन की कढ़ाई यूज़ करते हैं। भाजी सब्जी बच्चे लोग जल्दी नहीं खाते क्योंकि उसमें भाजी बना के रखने से काला हो जाता है, तो इसलिए भाजी बच्चों के लिए तो कुछ और यूज करते हैं उसमें हम लोग भी, लेकिन कभी कभार पूड़ी तलना हो ये सब हो तो हम लोग लोखन की कढ़ाई में भी प्रेफर करते हैं। तो और यहाँ पे मसाला भी पीस के रेडी है, जैसे आपको मैंने बताया था ये मसाला है, धनिया पत्ती मर्चा लहसुन धनिया गरम मसाला रेडी है की ग्रेवी लगेगी या थोड़ा ग्रेवी में वो पड़ेगा बस। तक ये हमारा फूलने के लिए रेडी हो रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ दही रखा है, ये दही को फेंट लेती हूँ अच्छे से, जितना बारीक इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना अच्छा इसे भी रहेगा। फेंट लेती हूँ मैं इसे, फेंट रही हूँ फेंट के, हाँ मैं इसे दही को फेंट रही हूँ और फेंट के इसको इतना मुलायम सॉफ्टी बनाना है। मम्मी बोली इसे इतना सॉफ्ट बनाना, इतना सॉफ्ट बनाना कि ये इसमें भी फ्लपनेस आ जाए, दही को इतना फिट हो। तो आज तो मैं फटेले के नियर, तो इसको फटेले के नियर बनाना है। हमारी भाषा समझ में आती होगी ना आप लोग को। हाँ तो ऐसे ही दही फट जाए, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसे मिशन सक्सेस करते हैं। आप लोग भी अपने घर पे ऐसे फेंट के बनाइएगा। तो आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार है, दही वड़े और रिकवच और गरम गरम चावल के साथ खाइएगा और मजा करिएगा। और जिसे खाना है वो हमारे घर पे आ जाइएगा, हम इसे फेंट के तो रखे रहेंगे फ्रिज में बना के, तो आपको खिला देंगे। तो जिस किसी का मन करे ब्लॉग देख के
वो हमारे घर पे आके खा सकते हैं। 3 दिन तक तो अभी थोड़ा रहेगा ही, क्योंकि कोई घर में खाने के नहीं है, सिर्फ सास पतो खाएगी। 3 दिन तक ये रहेगा, तो 3 दिन के अंदर जिसे भी दही वड़े खाने हो वो हमारे घर पे आ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो अब मुझे बनाने दो, मैं ज्यादा गपशप नहीं करूंगी, फिर तो फिर सासू माँ बोलेंगी कब से फेट रही हूँ, फेटा ही नहीं रहा है तुम्हारा। चलो फाइनली गाइस हो गया है, यहाँ पे देखिए अब कैसा इसका वो हो गया फ्लेवर, और जो बोली थी एक काट के रेडी कर लिए हैं, और यहाँ मसाला भी रेडी हो गया है। देखिए मसाला मसाला में जा रहा है ये जो मैंने आपको बताई थी। आज का खाना सास पतो बना रही है, आज हम मिलकर खाना बना रही है, मिलकर गाइस मिलकर, आप भी मिलकर क्योंकि ये मम्मी की रेसिपी है, इसलिए उन्हें ज्यादा आता है। मशीन अपने से ही चिल्ला कर बंद हो गया, मशीन अपने से ही चिल्लाया, चिल्ला के बंद हो गया। चलो रेडी होते हैं। मम्मी पहले देख ली कैसन फेटल है, ओकरे बाद फिर और फेटे के है तो देखी। नहीं वो के नहीं फेटे के, हमने गरम करके नहाई, गरम पानी डालेंगे उसमें गाइस, गरम पानी से थोड़ा उसका और अच्छे से वो होएगा। पूरे घर में कपड़े कपड़े देख कर अब डर जाएंगे, तो गरम पानी पड़ेगा गाइस, और गरम पानी के बाद ही उसमें जब वो बनेगा तो मजा आएगा। बने रहिएगा इस ब्लॉग को और लास्ट तक जरूर देखिएगा कि हम लोग सास बहू कितना मस्ती करते हैं, मस्ती के साथ ये बना रहे हैं खाना। बन जाएगा तो खा लेंगे, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, सासू माँ बोल रही है फेंक देंगे, नहीं बनेगा तो इसे। ये जो बैटर है यहाँ पे गोल गोल छान दिया गया है, उसको छानने के बाद यहाँ इसमें दही है, दही और गरम पानी मिक्स करके मिला के इसी में डायरेक्टली यहाँ से इसमें लेके इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसमें काला नमक और नमक मिलाएंगे तो लाल मिर्ची डालकर, अब सिर्फ जीरा भुना हुआ जीरा पीस के फिर इसे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर खाएंगे। गर्मा गर्म इसमें डाल दिया गया है, उसमें काला नमक चिल्ली पाउडर और जीरा भुना हुआ डालकर उसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए रख देंगे, बहुत ही टेस्टी बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगा, तो उसे आप भी खा के एंजॉय करिएगा। बड़ा टोपा चाहिए, दूसरे टोपा में डाली, कितनी देखिए गाइस बन के रेडी हो रहा है, इसे डाल दिया जाता है उसमें से निकाल के, अब इसे फूलने के लिए इसमें डाल देते। क्या का महक जाए भाई, महक जी रिजवा में रखना वैसे फ्रिज में रखे थोड़ी ना ज्यादा दिन, कितना दिन रखे के आपके, 3 दिन में क्या करेंगे फिर, वैसे ही बना के फिर खा ले। अच्छा तो गाइस जा रही मम्मी को खाना देने, मम्मी खाना बेटा आपको नहाने के पहले ही टॉवल लेके जाना चाहिए। तो ये फुलौरी निकल गया है, 4 ठे दे दी, 3 ठे ये फुलौरी जिसे खाना है वो खाएगा, चमचवा वही में डाल दे, चमचवा ले लें, ये लीजिए मम्मी खाना खाएंगे। तो इन्हें खाना खाने देते हैं, चावल और मैं बना इसका नाम ही भूल गई, चावल और रिक्वच के साथ टेस्टी लगता है, रोटी इसके साथ अच्छा नहीं लगता गाइस, चावल और रिक्वच के टेस्ट है अच्छा है। तो यहाँ पे अभी जीरा भूज दी हूँ, अभी इसमें डालना है, काला नमक पड़ा है, काला नमक हो गया है, जीरा ये डब तो डाल के फैंटास्टिक बन जाएगा, और थोड़ा सा ये बैटर इसमें बच गया है, इसका हम लोग मेंदू वड़ा छानेंगे। मेंदू वड़ा गाइस आपने देखा होगा कि हमने दही भल्ले और रिक्वेस्ट बना के रेडी कर दिए, तो होप आप लोग भी अपने घर पे जरूर बनाइएगा। तो अभी सबको खाना दे दी हूँ, सब खाना खा रहे हैं, होप हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।